بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. जामा मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा है और इस नशिस्त को जो कि तारीख इस्लाम की 541वीं नशिस्त है बनवान हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमा का रोल प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब मुखातिब फरमा रहे हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ हैं. वो हमारे यहाँ महीने में कम से कम एक लेक्चर जरूर देते हैं और हमें इससे इस्तेफादे का न सिर्फ हमें मौका मिलता है बल्कि उनके ख्याल और उनका जो कुछ किताब होता है वो हमारे यहाँ अखबार भी उसको काफ़ी अच्छी जगह देते हैं और इस तरह से हमें हम सबको इस्तेफादे का मौका होता है. आज की इस नशिस्त का आगाज़ खाली तबारक हुसैन साहब की कुछ इधान खराज से हुआ और हमें प्रोफेसर हमें सैयद मीनुद्दीन हुसैनी साहब ने बहुत ही पुरमस गज़ल सुनाई दुआ सुनाई. बहरहाल हमारे तारीख इस्लाम की यह नशिस्त 541वीं है. आज एक खुशखबरी ये है कि हमारी नशिस्तों की खबर करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक आर्टिकल इकबाल शिनासी की महफिल के हवाले से लिखा है जो ज़ाहिर है कि तमाम महाफिल पे लागू होता है और उसमें इसकी फादियत के बारे में बताया गया है. ये एक एक कॉपी आपको सबको दे दीजिए बनाएंगे जब आप तो ये एक एक आपको जीरोक्स कॉपी उसकी दी जा रही है जो आज के अखबार में है. अब जाहिर है कि अंग्रेज़ी अखबार में है तो मैं मजबूर हूँ इंग्लिश की कॉपी फराहम करने का और जो साहब अंग्रेज़ी से ना वाकिफ हों तो वो किसी से पढ़ा कर सुन सकते हैं तर्जुमा उसका. बहरहाल हमारी हिम्मत अफजाई हुई कि अखबार ने आलिया मस्जिद का जिक्र करते हुए इस इन नशिस्तों को महफिल की नशिस्तों को बहुत ही ज़्यादा सब ये उसकी तारीफ की है और हमारा ये मुकाम जो हासिल हुआ है जाहिर है कि ऐसे आलिम शख्सियतों की वजह से ही है कि वो जो है इतने ज़्यादा हमारे किताब महाफिल इतनी नशिस्तें हुई. दूसरा एक अहम मतलब आप मसला आपसे कहने का है एक प्रोग्राम के आज जो है बाद मगरिब के आज बाद मगरिब के उर्दू हॉल में एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में आपके पड़ोसी मुल्क यानी बांग्लादेश से मुतालिक एक महफिल सजाई और ये एक सार्क एक तंजीम है जो 7-8 ममालिक के एशिया के बनी है और उस तंजीम में सारे इन 7-8 ममालिक का तआवुन है आपस में जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश मालदीव श्रीलंका और अफगानिस्तान और ऐसे दीगर ममालिक शामिल हैं तिब्बत. तो जाहिर है कि इस्लाम में पड़ोसी की बड़ी अहमियत है और ये पड़ोसी मुल्क आपको तो मालूम है कि इस्लामी मुल्क है मुसलमानों का मुल्क है
कोशिश कीजिए कि आप 6:30 बजे या 6 बजे आ जाएं तो मगरिब वहाँ पढ़ सकते हैं, 6:30 बजे अगर आएं तो 6:30 बजे आप जो है उस महफिल में शिरकत कर सकते हैं जिसमें प्रोफेसर मसूद अहमद दक्कन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, वो मुखातिब कर रहे हैं, उर्दू में खिताब होगा और बांग्लादेश के ताल्लुक से बहुत कुछ मालूमात होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़रूर बज़रूर तशरीफ लाएं और मगरिब के बाद एक आध घंटे का प्रोग्राम रहेगा, आप तशरीफ चले आ सकते हैं। दूसरे ये कि हमारे जो बुलेटिन हैं वो तकसीम हो चुके हैं, अगर आपको न मिले हों तो ये जो है यहाँ से हासिल कर सकते हैं और इनके मुताबिक दो और अहम प्रोग्राम हैं, सभी तो अहम प्रोग्राम हैं लेकिन 655वीं नशिस्त और वह है 22 फरवरी को, तो 4 शंबे के दिन आपको मालूम है इकबाल चिनासी की महाफिल हुआ करती, तो मेरे ख्याल में आप अच्छी तरह से इसको महसूस करते होंगे कि इन प्रोग्रामों में आपके साथ देने का जो नतीजा है वो सामने आ रहा है। अब आप ही इससे जिक्र किया मैंने कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा पेपर आपके इन महाफिल की सरगर्मियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लिहाजा आप कोशिश करें कि आइंदा भी आपका तआवुन जारी रहे। मैं हमारे आज के मुकर्रर प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब को, जिन के आप जानते पहचानते हैं और जो एक ऑल इंडिया नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी फिगर हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अवार्ड याफ्ता हैं, तो इस वक्त कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस जो यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस में जो है सदर शोबे अरबी हैं, तो आपसे वो मुखातिब होंगे, मैं उन्हें दावत खिताब देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلق تحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العظيم। बुजुर्गों और दोस्तों, पिछले महीने की बात है कि 26 जनवरी की मुनासिबत से हमारे कुछ साथियों ने मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का जो कुछ हिस्सा रहा, ईमान वालों की जो कद्दोकाविश रही, उस पर सवालात की बौछार की और उनके जवाबात मैं अपने नाकिस इल्म की रोशनी में देता रहा। उन साथियों ने एडवोकेट साहब तक रिसाई हासिल की और फिर ख्वाहिश जाहिर की कि इस मौजू पर बाज़ाब्ता एक लेक्चर होना चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुस्लिम दानिशवरों और उलमा का जो हिस्सा है वो इतना अहम टॉपिक और मौजू है कि इस पर तो पूरा सेमिनार होना चाहिए, इस पर मुस्तकिल तसानीफ आनी चाहिए मुख्तलिफ ज़बानों में, और लाजमी बात है इस मौजू का हक अगर अदा कर सकता है तो वो मौरिख ही अदा कर सकता है। और मैं तारीख़ के मैदान का बहुत कच्चा तालिबे इल्म हूँ, लिहाजा मैं चाह तो रहा था कि राह फरार इख्तियार करूँ, लेकिन ऐसा उन साथियों का इसरार था कि मैंने उनकी बात मान ली और इस मौज़ू पर आपसे गुफ्तगु करने के लिए हाजिर हो चुका हूँ। मेरी गुफ्तगू शायद ये दावत फ़िक्र होगी कि आइंदा हम इस मौज़ू पर वर्कशॉप करें। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ हिस्ट्री की किताबों में, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में कुछ तहरीकों का तारुफ होता था छोटे छोटे पैराग्राफ में,
और ऑब्जेक्टिव सवालात में उनके बारे में कुछ पूछ लिया भी जाता था, जिसमें से तहरीक खिलाफत है, वहाबी मूवमेंट के नाम से एक तहरीक है, ये वो चीज़ें थी जो शामिल निसाब हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा दौर में ये इन चीज़ों को भी हस्फ कर दिया गया है और निसाब में थोड़ा बहुत तस्किरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आ जाता है। बाकी ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क को ग़ुलामी के चुंगल से छुड़ाने में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन आप तारीख़ उठाकर देखें तो किस्सा इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है, तमाम तर बरअक्स है। हुसूल आज़ादी के लिए जो मुसलमानों की कद्दोकाविश रही, जिद्दोजहद रही, जो मेहनतें रहीं, जो कुर्बानियाँ रहीं, वो इतनी लाजवाल और अहम तरीन हैं कि उनका तस्किरा सही अंदाज में सारी ही अकवाम के सामने हर हर ज़बान में आना चाहिए, ताकि एहसास हो कि इस मुल्क की तामीर में किस किस ने हिस्सा लिया। और क्यों ना हो, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो लिया उसका सबसे अहम तरीन सबब तो उसका उनका अपना मजहबी अकीदा था, वो मजहबी अकीदा जिसके सिलसिले में मैंने अभी कुरान मजीद की एक आयत कोट की, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फलक तहमल आकबा, एक बुलंदी जैसे पहाड़ की घाटी हो उस पर चढ़ना किस कदर पुरमशक्क़त होता है, कैसी मुसीबत होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये बुलंदी और चोटी को सैर करना, इसके बारे में तुम समझते हो ये क्या है? ये आमाल की वो बुलंदियां हैं जिस पर हरकस और नाकस का चढ़ जाना मुमकिन नहीं। फरमाया इस पे चढ़ने वाले बहुत ही अजीमत वाले होते हैं, और इन बुलंदियों पर चढ़ना, इन घाटियों को सैर करना ये क्या है? फरमाया फक्कु रकबा, ग़ुलामों का आज़ाद करना, ग़ुलामों को ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस क़दर रग़बत दिलवाई कि मुसलमानों के अंदर ग़ुलामी का तसव्वुर ख़त्म होता चला गया, और कफ़ारे में ग़ुलाम आज़ाद करो, फ़ला मौके पे ग़ुलाम आज़ाद करो, नेकी के लिए ग़ुलाम आज़ाद करो। लिहाजा इंसानों को ग़ुलामी से नजात दिलाने के लिए जो तदबीरें इस्लाम में की गई उसका यह नतीजा निकला कि धीरे धीरे ग़ुलामी ख़त्म हो गई, ग़ुलामी का तसव्वुर ख़त्म हो गया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे कि जिनको जिनकी माओ ने आज़ाद पैदा किया, तुम कौन होते हो ग़ुलाम बनाने वाले? लिहाजा इस मुल्क को ग़ुलाम बनाने की भी जो तहरीक चली उसका आगाज होता है सन 1601 में, 1601 में, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पांव जमाया कलकत्ते में, बंगाल में। वहाँ से उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू की और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे हिंदुस्तान में सरमाया लगाना शुरू किया। मुग़ल सरबराहों से उन्होंने इजाज़त ली तिजारत की और परवाने अमन लिखवाया, मुआहदे हुए जिसमें उनको अमन दिया गया और ये कहा गया कि वो इस मुल्क में तिजारत कर सकते हैं, अपना सरमाया लगा सकते हैं। लेकिन जब 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हो गई तो फिर उनका कोई भी जानशीन ऐसा नहीं था जो इतने बड़े मुल्क को, जो जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था, बर्रे सगीर जिसको कहा जाता था कि एक कॉन्टिनेंट की तरह ये मुल्क था, सब कॉन्टिनेंट, इतने बड़े मुल्क को लेके चलने वाला, तदबीर करने वाला, काबू रखने वाला सही तौर पर जानशीन मुग़लों में पैदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे तवाइफुल मुलुकी का दौर शुरू हुआ। नवाब राजे इस मुल्क को तकसीम करते चले गए और यहाँ तक के मरकजियत मुतजलजल हो गई, मरकजी निज़ाम कमज़ोर पड़ गया, और उसके बाद से फिर अंग्रेज़ों ने पैर जमाना शुरू किया और सियासत में उन्होंने मुदाखलत शुरू कर दी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उन्होंने शुरू किया।
जिसका जो सबसे बड़ा सैम्बल या खुल के जो मुजाहरा हुआ वो प्लासी की जंग में हुआ 1757 में, जबकि उन्होंने सिराजुद्दौला को शिकस्त दे दी और उसके बाद से उन्होंने बंगाल में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और ऐलान किया कि अब हम इस मुल्क में सियासी इख्तदार के भी हम गोया ख्वाहिशमंद है। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, छोटी छोटी रियासतों को हड़प करने लगे। तो सबसे पहली जो इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई और इनको जो ललकारा, जो इनको ललकारने वाला था और जो सर से कफन बांध कर मैदान में निकलने वाला था, वो कौन था? वो दुनिया जानती है, टीपू सुल्तान की शख्सियत थी। और जिन्होंने ये कह कर के शेर की एक साल ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, मैदान में निकल पड़े। और फिर आप जानते हैं कि कुछ अपनों की बेवफाई और कुछ गैरों की अय्यारी, और उसका नतीजा ये निकला कि 1799 में वो जाम शहादत नोश करने पर मजबूर हुए और वो शहादत जैसी बुलंद मौत के साथ इस दुनिया से रुखसत होकर उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए परवाना दिया कि इस जिद्दोजहद आज़ादी की जंग को तुम जारी रखो। कोशिशें होती रहीं, मुस्तकिल कोशिशें होती रहीं, लेकिन मसला यही था। जो सबसे बड़ी ख़राबी है वो खाना जंगी, अंदरून से कमज़ोर होना और हमारे कुछ लोगों का उनसे मिल जाना, गद्दारी, बेवफाई, ये सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों का नफूस बढ़ता चला गया और उनका तसल्लुत इतना बढ़ता चला गया कि 1803 में उन्होंने बाज़ाब्ता मुग़ल शहंशाह, जो बराए नाम ही थे सरबरा और उनके बारे में तंजिया जुमला लिखा जाता था, शहंशाह आलम अज दिल्ली ता पालम कहा जाता था, इतनी छोटी उनकी ममलकत हो गई थी, लेकिन उनको पूरी तरह कैप्चर किया, काबू में किया और करने के बाद कहा, देखो खल्क तो खुदा की है, हुकूमत तुम्हारी है, हुक्म हमारा चलेगा। ये लिखवा लिया उनसे, ऐसा मुआहदा लिखवा लिया जिसमें ये कहा कि ब्रिटिश हुकूमत चलेगी यहाँ पे, उनके अहकाम, उनके कवानीन नाफिज होंगे, और वो लिख कर दे दिया गया। शहजादों का कत्लेआम हुआ, किसी को घोड़े के पीछे बांध दिया गया, किसी को सूली पे लटका दिया गया, जो मनमानी जो करना था किया, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। और उसके बाद से फिर बात चीज़ें ऐसी थी जो चोरी छुपे तो थी, जैसे आजकल भी सऊदीया के सिलसिले में शिकायतें आती हैं, चोरी छुपे हो जाती हैं, मसलन शराब का बिकना वगैरह वगैरह। तो बात चीज़ें ऐसी थी जो चोरी छुपे थी उनको बरसर आम किया गया, उनके सिलसिले में हुकूमत ने कानून वज़ा किया और कहा कि शराब कानूनी तौर पर बिकेगी, खिंजीर का गोश्त खाया जाएगा और ये होगा और वो होगा। जो कवानीन तकरीबन बरतानिया के थे वो जब नाफिस किए गए तो इसके खिलाफ जो सदाए एहतजाज बुलंद हुई, एक ऐसे ज़ईफ़ नातवा, कमज़ोर और बीमारियों में, मुख्तलिफ बीमारियों में उलझी हुई शख्सियत की आवाज़ बुलंद हुई, जिनको दुनिया सिराजुल हिंद मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह देहलवी के नाम से याद करती है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद अर्जुमंद थे, खासे बीमारियों के वो शिकार थे। अल्लाह ताला ने बाज़ ऐसे आजमाइशों से उनको दोचार किया था जिसकी वजह से उनको बाज़ बीमारियां थी, बाज़ मखसूस किस्म की, जिससे बड़ी उनको तकलीफ़ होती थी। वो दरस हदीस टहलते हुए देते थे, बैठ के वो दरस हदीस नहीं दे सकते थे, इतनी उनको तकलीफ़ होती थी। और बहुत कमज़ोर से थे, निहत्ते से थे, लाजमी बात है चंद नौजवान तलबा के सिवा उनका कोई सरमाया नहीं था, लेकिन उन्होंने खुल के 7 सफ़े का फ़ारसी का फतवा तहरीर फरमाया, और फारसी उस वक्त की सरकारी ज़बान थी, दरबारी ज़बान थी। उसमें उन्होंने ललकारा हुकूमत को और कहा कि ये हुकूमत सरासर हम पर जंग मुसल्लत कर दी, हमारा जीना दोबर कर दी, लिहाजा इस हुकूमत से जंग करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और इनकी सब्सिडीज़ को, इनकी सहूलियात को, इनकी नौकरियों को और इनकी एयानतों को और इनकी मदद को सबको नाजायज़ करार देते हुए कहा ये दारुल हर्ब है, लिहाजा अब इनके खिलाफ हिंदुस्तान की कौमों को उठना चाहिए। लाजमी बात है
इस फतवे का जो असर मुसलमानों पर हुआ उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि गैरों से आप इसकी तवक्को नहीं कर सकते थे कि उनको फतवे का असर हो। वो तो इस नई हुकूमत से मरूब थे, उनकी ज़बान भी पढ़ रहे थे और तरक्की के जो असबाब हो सकते थे उनके नज़दीक वो अपना रहे थे, बड़े बड़े ओहदे वो अख्तियार कर रहे थे, लेकिन उसके बरखिलाफ़ बिल्कुल मुसलमान पसमानदा होते जा रहे थे। बड़ी बड़ी नौकरियाँ उनके हाथ से जा चुकी थी, जायदादें कर्क कर ली गई थी और मुस्तकिल कैदो बंद जिलावतनी ये उन पर मुसल्लत कर दी गई थी, लेकिन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के फतवे पर एक जमात खड़ी हुई और उस जमात की सरबराही करने वाले एक नौजवान थे जिनका नाम सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। वह हसनी ख़ानदान के एक नौजवान थे और उनको नस्बत में अल्लाह ताला ने शहादत की मोहब्बत इनायत फरमाई थी, लिहाजा वह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होते हैं। एक नौजवान सा लड़का हाजिर हुआ जिसकी शादी भी नहीं हुई, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके हाथ अपने हाथ पर उनसे बयात ली। बयात लेने के बाद अपने ख़ानदान वालों से हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस नौजवान के साथ हो जाओ और इनके हाथ पर बयात करो। उसमें बाज़ पीराना साली को पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, लेकिन उनसे शाह साहब ने कहा कि नहीं, तुमको इनके साथ हो जाना चाहिए। चुनाचे हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के एक पोते और हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के एक दामाद वो सब बयात हो गए हज़रत शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद साहब के साथ वो पहुँचे। पहले तो इन लोगों ने हिंदुस्तान में एक नेटवर्क कायम किया इस्लाह का, इस्लाह, और उस इस्लाह में जितनी हराम चीज़ें थी, मासियतें थी, नापाकियाँ थी, नजासतें थी, उनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त किस्म का इस्लाही काम किया गया। बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली, लाखों लोग ताइब होते चले गए, दीन और ईमान की तजदीद करते चले गए और एक हिंदुस्तान में हलचल मच गई और अंग्रेज़ों के पैरों तले ज़मीन निकल गई और उन्होंने सोचा ये तो बड़ा मसला हो गया। चूँकि उस वक्त के लोगों ने यह फतवा दे दिया था कि अब हज का फरीज़ा हम पर साबित हो चुका है, क्योंकि अब रास्ते का अमन वमन बाकी नहीं है, लिहाजा जो अल्लाह ताला ने इस्तेतात सबील की शर्त लगाई वो मफकूद हो गई और वो मफकूद हो जाने की वजह से अब फरीज़ा भी ख़त्म हो चुका, साकित हो चुका। तो फिर सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज की तैयारी की और एक ज़बरदस्त काफ़िले को लेकर हज के लिए रवाना हुए और हज भी किया और अल्लाह ताला से गोया जिहाद के लिए स्पिरिट भी ली, पेट्रोल भी हासिल कर लिया एक तरह से, अपने आप को मजबूत और वजनी करके वापस लौटे। और उसके बाद से सैयद साहब ने फिर सफ़र शुरू किया जिहाद का 1826 में, और मुख्तलिफ इलाक़ों से सफ़र हो रहा है और रास्ते में पंजाब पड़ा और पंजाब में सिखों ने बड़ी ज़बरदस्त मुखालिफत की, रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी इलाकाई हुकूमत कायम कर रखी थी जिसमें मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की दास्तान सुनाई भी नहीं जा सकती थी, इस कदर जुल्म वो कर रहे थे मुसलमानों पर। लिहाजा सैयद साहब ने उनसे एक जंग की, उनकी इस्लाह की, वो उस वक्त शिकस्त खा गए, कमज़ोर पड़ गए, सैयद साहब का काफ़िला और ऊपर चला गया और मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए अफ़ग़ानिस्तान तक सफ़र हुआ और फिर वापसी में सारे इलाकों में इस्लामी निज़ाम कायम होता चला गया। अंग्रेज़ थे चालाक, वो थे अय्यार, लिहाजा सैयद साहब से भिड़ने की उनके अंदर सलाहियत नहीं थी। उन्होंने ये सोचा कि इस मौके पर सिखों को इस्तेमाल किया जाए। चुनाचे जब सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वापसी हो रही थी और ये वापसी चुके अभी कोई एक मुनज़्ज़म जंग की नीयत से नहीं थी, अंग्रेज़ों से जंग लड़ने के लिए तो अभी तैयारियां हो रही थी, लोगों को मशक़ें कराई जा रही थी और लोगों को बताया जा रहा था कि आज़ादी की जंग लड़ने के लिए एक इलाके का इंतखाब मुमकिन नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ना पड़ेगा, लिहाजा अभी ट्रेनिंग के दौर में थे और एक मुख्तसर सा ये काफ़िला था जो वापस हो रहा था और पंजाब के एक इलाके में बालाकोट के करीब पहुँचा कि वहाँ पर उन्होंने, अंग्रेज़ों ने 20,000 सिखों को तैयार किया और कहा कि अगर सैयद बादशाह को अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो फिर तुम्हारा जीना दोभर हो जाएगा, लिहाजा इन सिखों को इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त हमला हुआ। और उस हमले का नतीजा ये हुआ कि 1831 को सैयद साहब का काफ़िला वो बिल्कुल सिखों के बीचों बीच आ गया और 300 अफराद
جام شہادت نوش کرنے پر مجبور ہوئے، بشمول سید صاحب کے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید اسماعیل شہید، یہ سب شہید ہو گئے، اور یہ آزادی کی اٹھنے والی ایک مضبوط ترین تحریک گویا ناکامی سے دوچار ہو گئی. لیکن تحریک ناکامی سے دوچار ہوئی وہ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے تو وہ تو بہت کامیاب ہے، وہ تو بہت کامیاب ہے. ان کو شہادت ملی جس کے وہ متمنی تھے، اور جس طرح سے ایک صحابی رات میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہماری نگرانی کرے، قافلہ پورا آرام کرنے جا رہا ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نگرانی کروں گا، اور وہ نگرانی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ بھی دن بھر کے تھکے ماندے تھے، لہذا ان کی آنکھ لگ لگ جا رہی تھی. تو انہوں نے سوچا بہتر یہ ہے میں کھڑے ہو کے نماز شروع کر دوں، اور انہوں نے نماز شروع کر دی. نماز پڑھ رہے تھے کہ دور سے دشمن نے تاکا، اور یہ دیکھا کہ ایک سایہ ہے جو اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لہذا نشانہ لگایا، اور نشانہ لگا کہ تیر ان پر چلایا. اور جیسے ہی ان کو تیر لگا، وہ فرماتے ہیں فستو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. کیا کامیاب ہو گیا؟ یعنی مجھے جو شہادت کی تمنا تھی، جو شہادت کی خواہش تھی، آج پوری ہو چکی. لہذا ان اہل اللہ کو، ان اللہ کے نیک بندوں کو جو شہادت کی خواہش تھی، وہ تو ان کو پوری ہو گئی، اور وہ شہادت سے دوچار ہوئے. لیکن ہندوستان کی تحریک آزادی کو بڑا زبردست قسم کا دھکا پہنچا. اور پھر سید صاحب کی شہادت کے بعد ہوا یہ کہ سید صاحب کے بہت سارے خلفاء اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور اس کے بعد سے وہ تحریک آزادی کو آگے بڑھاتے رہے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ کرتے رہے. پٹنہ اس میں صادق پور کہلاتا تھا، وہ مرکز بنا. مدراس میں ہلچل ہوئی، دہلی میں ہلچل ہوئی، لکھنؤ میں ہلچل ہوئی، کلکتے میں ہلچل ہوئی، ٹونک میں جو راجستھان کا علاقہ ہے وہاں ہلچل ہوئی. ایک ایسی تحریک تھی جس کو انگریز دبانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی. تھے بڑے چالاک، تھے تو عیار، لہذا انہوں نے کام کیا، بہت سوچ سمجھ کے سات آٹھ کتابیں لکھی، اور ان سات آٹھ کتابوں میں یہ الزام دیا کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے دراصل یہ وہابیوں کی تحریک ہے. اور اس وقت وہابیوں کی جو تحریک تھی، جو سعودیہ میں چل رہی تھی، سعودی عرب میں، جس کے سربراہ تھے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس تحریک کے سلسلے میں ہندوستانی مسلمان تھوڑا سا نالا تھے، بے چین تھے، سبھی ہر قسم کے مسلمان. اس کی وجہ یہ کہ وہ اسلامی تاریخ کو مٹاتے چلے جا رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس پر گنبد بنی ہوئی تھی مزار پر، اس کو انہوں نے توڑ دیا تھا. اس طرح سے ایک بدگمانی سی تھی جو پھیلی ہوئی تھی، لہذا انگریزوں نے سوچا کہ اس وقت ان کو ڈیوائیڈ کرو مسلمانوں کو. لہذا اس وقت سے یہ وہابیت کا نام چلا ہوا ہے. اب جو وہابیت کے نام پہ لڑتا ہے، دراصل وہ انگریزوں کے کاز میں کام کرتا ہے. یہ سارے وہ نام ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ کیا نام؟ فلاں مکتب فکر کو فلاں مکتب فکر سے لڑایا جا رہا ہے، شہروں کی بنیاد پر، شخصیتوں کی بنیاد پر. تو یہ انگریزوں نے پہلی سازش رچی، اور وہابی تحریک کا انہوں نے نام دے کر لڑانے کی کوشش کی، اور وہ ایک حد تک کامیاب ہو گئے. لہذا جو لوگ جنگ آزادی میں حصہ لے رہے تھے، اہل صادق پور اور اہل تھیانسر اور دوسرے اہم مقام کے لوگ، ان کی تحریکوں کو بڑا سخت نقصان پہنچا. لیکن الحمدللہ اس موقع پہ نزاکت کو سمجھنے والے ہر قسم کے بڑے بڑے علماء تھے. مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق بالکل اس مکتب فکر سے تھا جس کو عام طور پر، میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرتا ہوں لیکن عام فہم ہونے کے لیے، آپ کو سمجھنے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل بریلوی مکتب فکر کے حامل تھے، لیکن جہاد میں وہ لگے ہوئے تھے. حضرت موہانی، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے شاعر، ان کا کوئی دیوبندی یا وہابی تحریک سے تعلق نہیں تھا، دوسرے مکتب فکر کے تھے، لیکن جد و جہد آزادی میں لگے ہوئے تھے. لہذا ان علماء نے سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد دوبارہ پھر مسلمانوں کو میدان میں لایا. اور اسی اثنا انگریزوں نے بہت زبردست دہلی پر حملہ کیا. اس کی وجہ یہ کہ چند مسلم سپاہیوں نے، غالباً ان کی تعداد 50 تھی یا 50 سے بھی کچھ کم،
हुकूमत अंग्रेज से बगावत का ऐलान करके राह फरार उन्होंने इख्तियार कर ली। भाग गए, वो नौकरी छोड़ के निकल गए। होता रहता है, आज अमेरिका में हो रहा है, कितने अमेरिकन सिपाही गायब हो रहे हैं, अमेरिकन हुकूमत परेशान हो रही है। तो जंग के नाम से अब लोग ये सोच के कि अच्छी खासी नौकरी है, मिलिट्री की तनख्वाह आती रहती है, नौकरी कर लेते हैं, कभी कभार जंग आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं, भागने लगते हैं। तो वो उन भागने वाले सिपाहियों की वजह से हुकूमत बरतानिया ने इतना सख्त एक्शन लिया कि एक ज़बरदस्त किस्म का हमला दिल्ली पर कराया गया। और फिर उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहादुर शाह जफर को निकाला गया, निकाल के रंगून काला पानी भेज दिया गया। और दिल्ली और उसके अतराफ व अकनाफ कितने दीनदार मुसलमानों को मारा गया है, वो फिगर खुद आप उनसे पूछिए। ये फिगर हमसे मत लीजिए, हो सकता हम लोग मुबालगा करें, ये फिगर पूछिए उनके मुफक्किरीन से, उनके मौर्रिखीन से। और एडवर्ड जॉनसन ने किताब लिखी है द अनदर साइड ऑफ द मॉडल रूल, उस किताब में उसने सख्त एहतजाज किया उस दिन की कुर्बानियों पर, उस दिन के कत्ल पर, कत्ल व गारतगिरी जो हुई उसका फिगर है 5 लाख। 5 लाख लोगों को मारा गया, 5 लाख मुसलमान थे मुसलमान जिनको शहीद किया गया। और 5 लाख मुसलमानों को शहीद करने के लिए जो मुख्तलिफ तदबीरें थीं, उन तदबीरों में एक तदबीर ये थी कि जो भी अपने इलाके का सरबराह किस्म का आलिम दीन है, जिसकी बात चलती है अपने महल्ले में, अपने गांव में, अपने कबीले में, अपनी बस्ती में, उनको हाथी पर बिठा के निकाला गया और एक दरख्त के नीचे से गुजारा गया। उस दरख्त पर फंदा होता था, जैसे ही वो दरख्त के नीचे से गुजरते फंदा उनके गले में डाल के हाथी को आगे बढ़ाया जाता। उसके बाद उनकी गर्दन की हड्डियाँ टूटती, जबानें लटक गई, आँखें निकल आई और उनकी लाशें 3-3 दिन तक सड़ती रहीं। खौफ का आलम यह था कि उन बेगौर व कफन लाशों को सूलियों से उतार कर तदफीन करने तक की हिम्मत लोगों में नहीं थी। दिल्ली से मेरठ तक के कहते हैं कि शायद ही कोई बड़ा दरख्त ऐसा था जिस पर एक लाश न लटक रही हो। इतना ज़बरदस्त कत्ले आम किया और उस पूरे कत्ले आम का नाम दे दिया उन्होंने। और इत्तेफाकन गलत फहमी से हिंदुस्तान के मौर्रिखीन भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गदर। गदर थोड़ी था, वफा का दिन था वो तो वफा का दिन था। अपने वतन मादर से वफा करते हुए लोग मारे जा रहे थे और उसको गदर का उन्होंने नाम दिया। गदर का नाम से आप तारीख उठा कर देखें किस कदर उन्होंने खुरेजी की दिल्ली की गलियों को, और दिल्ली की गलियों की नालियों को खून से रंगीन उन्होंने कर दिया था। इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई और इतना ज़बरदस्त कत्लेआम हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमान हिम्मत नहीं हारे। ये है 1857 का किस्सा। अब इसके बाद से मुसलमान धीरे धीरे दूसरे अंदाज में मैदान में आ गए, और दूसरे अंदाज में जो मैदान में आए तो उसमें तालीमी इदारों को भी उन्होंने संभाल लिया। बकसरत तालीमी इदारे कायम होने लगे। अलीगढ़ में मोहम्मदन कॉलेज कायम हो गया, दिल्ली में जामे मिलिया हो गया, दीनी मदरसे कायम होने शुरू हो गए। लिहाजा हमारे बरादरान वतन को भी शऊर हुआ और उन्होंने कहा हम तो नौकरियों पे नौकरियां हासिल करते चले जा रहे हैं और हम वक्ती तरक्कियों को देख रहे हैं, कल के दिन मुल्क अगर आज़ाद हो जाएगा तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा 1885 में कितनी लंबी मुद्दत गुजरने के बाद इनको शऊर आया, आप अंदाज़ा कीजिए। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का आगाज़ किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगाज़ में जितने इजलास हुए उनकी रुदात उठा कर पढ़िए, हुकूमत से मुसालहत, बराए करम आप लड़ाई न लड़ें, हमको सज़ा न दें, बराए करम रिजर्वेशंस दें, बराए करम आप हमको तरक्की दें और जो हमारा परसेंटेज है उसका ख्याल रखें। यही सब चीज़ें, यानी एक तरक्की की एक कोशिश थी। और इसी असना, चूँकि उनके पास एक मसला और भी था बरादरानी वतन के पास, कि उनके मजहबी मरासिम खुद ऐसे थे जिसके बोझ तले लोग जले जा रहे थे, मरे जा रहे थे। सती की रस्म थी, तबके वारियत का वो निज़ाम था जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके ऊपर हुकूमत हिंद ने सख्त तरीन पाबंदी लगा दी। आप किसी शख्स को अगर ये कह दें कि तुम हरिजनों
निचली जात के हो, उसके बाद पुलिस केस कैसा होता है आप देख लीजिए। इतना सख्त कानून बनाने के बावजूद ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि एक निचली जात का नौजवान ऊंची जात के घड़े से पानी पिया तो कुल्हाड़ी से उसका हाथ कल काट दिया गया है, कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया गया है एक घुट पानी पीने पे। घड़ा तोड़ देते तुम, घड़े के पैसे उससे ले लेते, लेकिन इस छोटे से मामले पे उसका हाथ काटा गया। तो आप लगाइए, जब अंदाज़ा लगाइए, जब कानून नहीं था तो क्या आलम रहा होगा। लिहाजा उनके पास इस्लाही तहरीकें भी उठी और उन स्वामी विवेकानंद और वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद गांधी जी, ये सब इस्लाही तहरीक के लिए असलन उठे थे। लेकिन इसके साथ उन्होंने देखा कि अब दूसरी जंग अजीम छिड़ चुकी है और दूसरी जंग अजीम में अब बरतानिया पिट रहा है, किसी भी वक्त ये मुल्क छोड़कर भाग सकते हैं। लिहाजा अब उन्होंने आज़ादी का नारा बुलंद करना शुरू किया और धीरे धीरे अब वो मुसलमानों के साथ आने लगे, मुसलमानों के इजलास में शरीक होने लगे। इसी असना 1915 में आप देखेंगे कि रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की गई। मौलाना महमूद अल हसन साहब शेखुल अजम जो कहलाते हैं, उन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की। रेशमी रुमाल इसलिए कहा गया कि एक रेशम का कपड़ा होता था, उस पर तहरीर लिखकर पैगाम भेजा जाता था और जिसके पास पैगाम पहुँचता था उसको मालूम होता था कि इससे पैगाम कैसा पढ़ा जाए, बाकी और कोई नहीं पढ़ सकता था। तो ये इसके इस पैगाम रसानी के ज़रिए से पूरे मुल्क को कंट्रोल किया जा रहा था कि बैक वक्त हम आज़ादी का नारा बुलंद करें। लेकिन वही अपनों ने मुखबिरी कर दी और मौलाना को माल्टा भेज दिया गया और फिर सारे उलमा पर जुल्म ज़्यादती शुरू हो गई। शामली की जंग में मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह से तहरीक आज़ादी कमज़ोर होती जा रही थी कि अचानक खिलाफत मूवमेंट के नाम से मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने रूह फूंक दी। हलचल मच गई हिंदुस्तान में, निकल आए मुसलमान सर से कफन बांध कर सड़कों पर। और उसके बाद फिर हुकूमत बरतानिया ने महसूस किया कि अब इस तहरीक को कुचलना मुश्किल है। और फिर वही हुआ जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि 1939 में बहुत परेशान हो गई हुकूमत बरतानिया, मुस्तकिल उनके खजाने पे बोझ पड़ने लगा। झगड़े इतने बढ़ गए थे दूसरी जंग अजीम के कि उसकी वजह से वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। और ये दूसरी जंग अजीम ये चलती चली गई, चलती चली गई एक बड़ी मुद्दत तक, यहाँ तक के जब वो कमज़ोर पड़ गए तो उन्होंने एक बेहतरीन उसूल अपनाया, बहुत सोच समझ कर। बदनामों का तस्करा यहाँ मुनासिब नहीं है। उनके इर्द गिर्द मजहबी तकद्दस का हाला बुन दिया गया, उनको कांग्रेस के एक इजलास से गिरफ्तार किया गया। गोस्वामी साहब बाहर निकले तो बहुत जल्द निकल गए और बड़े कायदीन को हैरत हुई कि अभी आपकी आज़ादी के लिए इतनी कोशिश नहीं की गई, आप जेल से बाहर आ गए और बड़े एजाज़ के साथ आ गए, मुस्कुराते हुए, खाते पीते ज़रा मोटे ज़्यादा ही लग रहे हैं आप जब जेल में गए थे। थोड़े दिनों के बाद मालूम हुआ कि दरअसल वो अंग्रेज़ के आलेकार बन चुके हैं। और फिर शुद्दी तहरीक उठी और उस तहरीक का खुलासा ये था कि ये मुसलमान दरअसल हिंदू थे, लिहाजा दोबारा इनको हिंदुज़म की जानिब लौटना चाहिए। अब जब ये तहरीक उठी तो उसके नतीजे में मुस्लिम लीग भी उठी, उसके नतीजे में रिएक्शन भी हुआ, फिर जो फसादात हुए तो डिवाइड एंड रूल का जो उनका फार्मूला था उस पर पूरी तरह फिर वो अमल करने लगे। मगर कब तक करते ये, लिहाजा करते करते अंदर से तो खोखले हो चुके थे और वो अपने आप को समझते तो थे कि अजीम बरतानिया द ग्रेट ब्रिटेन, मगर कुएं के मेंढक होकर रह गए थे। फ्रांस पीट रहा था, जापान पीट रहा था, हर तरफ से भिड़े हुए थे, मुसीबतों में घिरे हुए थे। लिहाजा धीरे धीरे अब उनको आफियत महसूस हुई कि यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन ये कि बांट दो इनको, टुकड़े टुकड़े कर दो, लिहाजा होते होते फिर बात यहाँ तक पहुँची कि इन्होंने तकसीम की आग लगा दी। और तकसीम की आग लगाने के बाद से आखिर में उन्होंने ये ऐलान किया, 14 अगस्त को इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान आज़ाद ममलकत होगी। और जो टुकड़े दिए उन्होंने पाकिस्तान को, मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान कहकर कि दोनों में कोई ताल्लुक ही नहीं। और फिर उसके बाद से निसफ शब में उन्होंने 15 अगस्त की 1947 में ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान अब आज़ाद है, हम हिंदुस्तानियों के हवाले करते हैं। लेकिन
इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुसलमानों को 45 घंटे भी आज़ादी का जश्न बनाने का मौका नहीं मिला। 48 घंटे गुजरते गुजरते इतना ज़बरदस्त कत्लेआम था पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा ज़बरदस्त कत्लेआम था कि तुम निकल जाओ और पाकिस्तान चले जाओ, कि उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ज़बरदस्त फसाद उन्होंने बरपा किया और इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मारे गए कि उनकी तादाद तकरीबन 2.25 लाख के करीब है। फिर मुसलमानों को कुर्बानी देनी पड़ी, फिर मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लाशों का अंबार था मुख्तलिफ इलाक़ों में लगा हुआ, और आलम यह था कि उन लाशों के नीचे बाज सिसकते हुए ज़ख्मी भी पड़े हुए हैं जो मदद के लिए पुकार रहे हैं। बीसियों घंटे गुजर गए जो उनको एक घूंट पानी देने के लिए आगे नहीं बढ़ सका। ऐसी कसम पुरसी में इस मुल्क की फिर तकसीम हो गई और अंग्रेज़ अपनी हिकमत आमली में कामयाब हो गए, जुल्म करते हुए और इंसानियत को तबाह व ताराज करते हुए वो दंदनाते हुए आए, जुल्म करते हुए, बेईमानी करते हुए, दगाबाजी करते हुए इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े करते हुए इस मुल्क से निकल गए। और मुसलमानों का जो हिस्सा था, जो रूल था, जो कोशिशें थी, जो कुर्बानियां थी, जो खून बहाया गया था, वो हालात के गर्दाब के नीचे दबता चला गया और वो आज तक छुपा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पर मेहनत करें, इस पर तारीख़ी तौर पर रिसर्च करें, इन हकायक को सामने लाएं, बरादरान वतन के सामने पेश करें, मुख्तलिफ कौमों के सामने पेश करें। आज जो सिलेबस तासर देता है कि चंद ही लोगों का कारनामा है जिनमें ख़ास तौर पर सेहरा बांधा जाता है गांधी जी के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के, इनके मकाम का इनकार नहीं, इन्होंने जो कोशिशें की होंगी उसका नतीजा भी बहुत अच्छे अंदाज में इनको मिला, वजारतें मिली, हुकूमतें मिली, लेकिन जो बेलोस कुर्बानियाँ दी गई उनके ऊपर गर्द डाल देना, धूल डाल देना, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। लिहाजा हमने जब कोशिश की इस मुल्क की ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए, तो आज हमारी ड्यूटी है, आज हमारा फरीज़ा है कि आज हम कोशिश करें इस मुल्क के ज़मीर को आज़ाद कराने के लिए। ज़मीन तो आज़ाद हो गई, ज़मीर बिका हुआ है, ज़मीर बिका हुआ, वहीं का कल्चर महबूब है, वहीं के सिनेमा महबूब हैं, वहीं की शख्सियतें महबूब हैं, वहीं का लिबास महबूब है, वहीं के खाने महबूब हैं, वहीं की साजिशें महबूब हैं, वहीं के मुख्तलिफ किस्म की उनके कल्चर की चीज़ें जो लाद दी गई वही महबूब है। उन सब से हम इंसानियत को छुटकारा दिलाएं। मशरिकी अकदार, मशरिकी फिक्र, मशरिकी अखलाक, मशरिकी अखलाक जो मजहब की मोहब्बत की खमीर की बुनियाद पर पलते और बढ़ते हैं, उनको हम इस दुनिया में आम करने की कोशिश करें। मुल्क की ज़मीन की आज़ादी के बाद मुल्क के ज़मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद हम जारी रखें, हमारा अपना फरीज़ा है, दीनी तकाजा है। अल्लाह ताला हकायक को सारे इंसानों के सामने लाए और हमको अपनी मर्ज़ियात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।